ई शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पुस्तक से अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले आंकड़ों का संगठन का अर्थ तथा परिभाषा का अध्ययन करेंगे। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं उनको यहाँ पर जानेंगे। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण किस आधार पर होता है उसके बारे में जानेंगे। और अंत में चर का अर्थ तथा उसके प्रकार क्या होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में आंकड़ों को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। तो इसके जो 3 भाग हैं, पहला आंकड़ों का संग्रह, दूसरा आंकड़ों का संगठन और बाद में आएगा आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण। तो आंकड़ों का संग्रह में आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं विभिन्न स्रोतों से। और आंकड़ों का जो प्रस्तुतीकरण होगा उसमें हम सीखेंगे बाद में कि कैसे आंकड़ों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है विभिन्न प्रकार के चित्र और चार्ट आदि के माध्यम से। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आंकड़ों का संगठन कैसे किया जाता है, अर्थात जो आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं उन्हें हम कौन से तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। आंकड़ों का संगठन, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। आंकड़ों का संगठन किसी विषय से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों को उपयुक्त विधियों द्वारा एकत्रित करके व्यवस्थित रूप से संचित करना, जिससे कि उनका अध्ययन एवं विश्लेषण सरलता से किया जा सके, आंकड़ों का संगठन कहलाता है। अर्थात जो आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं उन्हें व्यवस्थित रूप में इकट्ठा करना, फिर उसका अध्ययन और विश्लेषण करना ही आंकड़ों का संगठन कहलाता है। इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं, भारत की जनसंख्या का। तो आपने देखा यहाँ भारत की जो जनसंख्या दे रखी है ये मिलियंस में है। तो 1901 में हमारी जनसंख्या 238.4 मिलियंस थी। इसी प्रकार यहाँ बढ़ते बढ़ते 2011 में 12.2 मिलियन हो गई। तो ये जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिसको आपने ईयर वाइज देखा है, बड़े आसानी से आपको देख कर समझ गए हैं कि जनसंख्या किस प्रकार यहाँ बढ़ रही है। तो ये व्यवस्थित आंकड़े हैं, इन्हें व्यवस्थित किया गया है। पहले ये अव्यवस्थित थे जिनको प्रगणों के द्वारा इकट्ठा किया गया और बाद में इसको व्यवस्थित किया गया, जिसके कारण हम आसानी से अपने देश की जनसंख्या का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आंकड़ों का संगठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यह होता है कि अव्यवस्थित आंकड़ों को हम व्यवस्थित करके उसका व्यापक रूप से अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, पहला अपरिष्कृत आंकड़े और दूसरा है परिष्कृत आंकड़े। अब इन दोनों आंकड़ों का अंतर तथा इसका विस्तार से अध्ययन आगे हम करते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े, अपरिष्कृत आंकड़े आरंभ में जब एकत्रित किए जाते हैं तो वे कबाड़ के ढेर के समान तथा अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए होते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों से सूचनाओं को सरलता तथा आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इससे प्राप्त सूचनाओं में बहुत अधिक समय लगता है, अर्थात अपरिष्कृत आंकड़े एक प्रकार से कच्चे आंकड़े होते हैं जो बिखरे हुए होते हैं, जिसको इकट्ठा करने में और उसका विश्लेषण करने में काफ़ी समय लगता है। अपरिष्कृत आंकड़ों को समझने के लिए हम एक कबाड़ी वाले का उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी गली मोहल्लों में या कॉलोनी में कोई कबाड़ी वाला आता है और आप
अपने घर का पुराना अखबार, टूटे फूटे घरेलू सामान, खाली कांच की बोतलें, प्लास्टिक आदि उसको बेचते हैं। वह आपसे इन वस्तुओं को खरीदता है और फिर आगे उन लोगों को बेच देता है जो इसका पुनः चक्रण करते हैं, अर्थात रिसाइकल करते हैं। लेकिन अपनी दुकान में अधिक कबाड़ के इकट्ठा होने से उसे अपना व्यापार चलाने में मुश्किल हो सकती है। तो वो क्या करता है, वो इन सारे कबाड़ को उचित ढंग से उपयुक्त समूह बनाता है और उनको वर्गीकृत करके रखता है। वह पुराने अखबारों को एक रस्सी से बांधता है, खाली कांच की बोतलों को एक बोरे में रखता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होता है, या लोहा होता है या पीतल होता है, उनको अलग अलग जगहों पर रखकर अपने सामान को व्यवस्थित करता है। तो इसी प्रकार जो आपके आंकड़े होते हैं प्रारंभ में जो इकट्ठे किए जाते हैं, तो उन्हें कच्चे आंकड़े बोलते हैं, वो भी अव्यवस्थित होते हैं। तो जो आंकड़ों का संगठन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उन आंकड़ों को अपने सुविधा के अनुसार उनको व्यवस्थित करते हैं और उसके आधार पर उसका विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालते हैं। परिकृष्ट आंकड़े, जो आंकड़े व्यवस्थित तथा वर्गीकृत होते हैं उसे परिकृष्ट आंकड़े कहते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक अनाज विक्रेता क्या करता है, जितने भी उसके यहाँ अनाज होते हैं, दाल चावल, इन सबको अलग अलग वर्गीकृत करता है। जब कोई ग्राहक उसके पास आता है तो तुरंत उसकी इच्छा के अनुसार वह वस्तु उसको वो दे देता है, जिसमें समय उसका काफ़ी बचता है। इसी प्रकार जो फल विक्रेता होता है, वो भी फलों के अनुसार उनका वर्गीकृत करता है। जैसे कहीं पे संतरे रखेगा, कहीं पे अंगूर रखेगा, कहीं पे केले रखेगा, उनको मिक्स नहीं रखेगा बल्कि अलग अलग रखेगा। जिस प्रकार कोई विक्रेता उससे अगर केले की मांग करता है तो तुरंत वो उसको केले दे देता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि इस विद्यालय में जो हमारा पुस्तकालय होता है, वहाँ पे किताबों को भी वर्गीकृत करके रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इतिहास की किताबें एक तरफ होंगी, अर्थशास्त्र की, विज्ञान की, भौतिकी की, बहुत सारी किताबें होंगी अलग अलग। जब बच्चे उनसे अपने रुचि के अनुसार किताब मांगते हैं तो वो तुरंत उनको वो किताबें उपलब्ध करा देते हैं। अगर किताबें वर्गीकृत नहीं होंगी तो उनको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। अब हम अपरिकृष्ट आंकड़े और परिकृष्ट आंकड़ों में क्या अंतर है उसका यहाँ पे अध्ययन करेंगे, और अपरिकृष्ट आंकड़ों को कैसे परिकृष्ट आंकड़ों में बदला जाता है वो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो आपने देखा कि एक उदाहरण है यहाँ पर कि एक परीक्षा में 100 छात्रों ने गणित में अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पे देख रहे हो उनके अंक यहाँ पे अव्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं। इन अंकों को देख के हम किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये अव्यवस्थित है। अब हम इन्हीं को व्यवस्थित करेंगे और अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको मॉडिफाई करेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन आंकड़ों से कहीं हम ये नहीं बता कर पा रहे हैं कि कितने से कितने छात्रों के कितने अंक आए। अगर मैं बोलूँ 90 से 100 के बीच में 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे, तो हम यहाँ पे कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। और अगर मैं बोलूँ कि कितने बच्चे 0 से 30 के बीच में अंक हैं, वो भी हम यहाँ पता नहीं कर पाएंगे। बहुत दिक्कत होगी हमें इनको अव्यवस्थित आंकड़ों के कारण। अब हम इन्हें क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 100 छात्रों का एक यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और उसके लिए हमें बारंबारता वितरण के रूप में यहाँ पर हम उसको दर्शाएंगे, जिससे हमें स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होगी। तो आपने देखा कि सबसे जो कम अंक प्राप्त किए बच्चों ने वो 0 है और सबसे अधिक है 100 के करीब। तो इसका मतलब 0 से 100 के बीच में हमें क्लास इंटरवल बनाना होगा। तो हमने 0 से 10, 10 से 20, यहाँ से हमने पूरा यहाँ तक 10-10 का अंतर लेके एक पूरा एक टेबल बना दिया है। इसको वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल बोलते हैं। यहाँ पे बारंबारता हम लेंगे, काउंट करेंगे कि 0 से 10 के बीच कितने ऐसे छात्र हैं जिनके अंक आए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऐसे यहाँ पे टेबल में केवल एक ही हमें दिखाई दे रहा है, 0। तो ये जो 0 दिखाई दे रहा है,
तो इसको हम यहाँ पे एक लिख देंगे कि भाई 0 से 10 के बीच में एक छात्र के शून्य अंक आए। अगर हमें ये काउंट करना है 10 से 20 के बीच में कितने छात्र आए, तो हम यहाँ से लेंगे, जैसे ये 10 हो गया, इसे क्रॉस कर देंगे, एक बच्चा ये हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरी लाइन में कोई नहीं है, तीसरी में भी कोई नहीं है। यहाँ पे एक 17 आ गया जो कि 20 से कम है, 14 आ गया दूसरा, फिर एक 14 यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 12 आ गया है, उसके बाद यहाँ पे एक 14 आया है, इस लाइन में एक 12 आ गया और इस लाइन में एक 14 आ गया। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 से और 20 के बीच में अंक आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने देखा ये 8 आ गया। तो इसी प्रकार हम सारे बच्चों के अंक जो उन्होंने प्राप्त किए हैं वो हम यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं। जैसे 90 से 100 के बीच में 4 बच्चों के अंक आए हैं, इसको हम यहाँ से जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 आ गया। इसका मतलब ये हमारा है टोटल एकदम एक्यूरेट और सही है। तो आपने देखा कि जो अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कबाड़ी का, जिसका सामान बिखरा हुआ होता है, उसे कैसे वो व्यवस्थित करता है, ऐसे ही हम बिखरे हुए समंकों को या आंकड़ों को व्यवस्थित करके अपनी जरूरत के अनुसार जानकारी निकाल सकते हैं, फिर उस जानकारी का हम विश्लेषण और निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंकड़ों को उनकी सामान्यता और असामान्यता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। इसको हम एक छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पुस्तकों को विषय के अनुसार विभाजन करना, जैसे इतिहास की पुस्तक, भूगोल की, गणित, हिंदी, विज्ञान आदि की पुस्तकें। इसी प्रकार पुस्तकालयों में किताबों को वर्णमाला के अनुसार, लेखकों के आधार पर या प्रकाशन वर्ष के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अपरिष्कृत आंकड़ों को भी विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण के उद्देश्य इस प्रकार हैं: आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना, आंकड़ों की समरूपता को प्रकट करके उनकी उपयोगिता को बढ़ाना, आंकड़ों को विभेदकारी बनाना ताकि उनके विशिष्ट अंतर को समझा जा सके, आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना ताकि उनकी विश्वसनीयता बढ़े, आंकड़ों को आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। वर्गीकरण का आधार। तो सबसे पहले हम भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण को लेते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण है कि विभिन्न देशों में गेहूं की उपज की पैदावार यहाँ पर देश के अनुसार यहाँ पे दर्शाई गई है। जैसे अमेरिका में गेहूं की उपज किलोग्राम एकड़ में 1925 है, और ब्राज़ील में 127, चीन में 893, इस प्रकार अन्य देशों में भी यहाँ पे दर्शा रखा है। इसके आधार पे हम ये पता लगा लेते हैं कि अलग अलग देशों में गेहूं की पैदावार कैसी है। इसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण है वह समय के अनुसार वर्गीकरण। समय, जैसे यहाँ पे उदाहरण है भारत की जनसंख्या करोड़ों में 1991 में 35.7 करोड़ थी, 1961 में 43.8, इस तरह बढ़ती गई। तो समय के अनुसार हमने इसमें वर्गीकरण किया है, जिससे हमें जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्ष बाद कितनी बढ़ रही है उसके बारे में पता चल जाता है। इसी प्रकार गुणात्मक वर्गीकरण होता है, जिसमें गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं आंकड़ों का। जैसे यहाँ पे जनसंख्या है, पुरुष और स्त्री यहाँ पे दे रखा है, पुरुष अविवाहित और अविवाहित, ऐसी स्त्री विवाहित और अविवाहित। ये एक प्रकार का गुणात्मक है जिसको हम माप नहीं सकते, इसको संख्या में व्यक्त नहीं कर पाते, तो हम इनको गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण है मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। इसका एक उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे 100 छात्रों के गणित के प्राप्तांकों को हमने यहाँ पे दर्शाया है कि 0 से 10 में एक बच्चे के अंक आए, 10 से 20 में 8। तो जो अंक हम संख्याओं में व्यक्त कर देते हैं उसे हम संख्यात्मक वर्गीकरण उसको हम कहते हैं। तो ये उसका एक उदाहरण था। इसी प्रकार साधारण वर्गीकरण भी होता है, और बहुगुणी वर्गीकरण में आपका मात्रात्मक और गुणात्मक
दोनों वर्गीकरण को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये थे वर्गीकरण का आधार। चर क्या होता है? चर वे मूल्य होते हैं जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है और जो संख्यात्मक रूप में मापे जा सकते हैं। इसी प्रकार चर को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सतह चर, का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, जैसे 1, 20, 1/2, वर्गमूल 2 या 1.78 आदि। इसी प्रकार विभक्त चर होगा, उसमें केवल निश्चित मान वाली संख्याएं होती हैं, जैसे छात्रों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या आदि।